नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, अक्टूबर थर्ड वीक के एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट में आपके आया हूँ। देख लेते हैं अक्टूबर थर्ड वीक में कौन कौन से यहाँ पर एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल है। क्या करना है आपको, सिंपल टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पर सर्च मारना है आपको एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। और यहाँ पर 380 प्लस मेंबर है तो आप वही यहाँ पर चैनल ज्वाइन करेगा। डीडीए का यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है मास्टर को, उसकी हर पीडीएफ आपको वहां जाके मिल सकती है। तो पहली जो रिक्रूटमेंट है वो है जेएसएक की, जेआरएफ और एसआरएफ की रिक्रूटमेंट, जूनियर और सीनियर रिसर्च फेलोशिप की। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 8 है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 25,000 पर मंथ यहाँ पर जेआरएफ के लिए है और 28,000 पर मंथ प्लस 20% एचआरए एसआरएफ के लिए। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 10 नवंबर 2020 तक आप इसे यहां पर भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 30 इयर्स तक आपकी एयर यहां पर जो एज है वो होनी चाहिए और ये नापा जाएगा 1 अक्टूबर 2020 तक। तो आप ये खासा ध्यान रखिए एज लिमिट का। और जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, वो झारखंड जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो यहाँ पर लगेगा जो झारखंड के यहाँ पर निवासी है। फीस की अगर मैं बात करूं तो 1,000 रुपीज है यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए, 500 है ओबीसी की और कोई भी फीस यहाँ पर एससी एसटी और यहाँ पर पीए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि माफ होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एमएससी अगर आपने की है या एमटेक की है रिमोट सेंसिंग से, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियो फिजिक्स, अर्थ एंड एटमोस्फेरिक साइंस, एग्रीकल्चर, वाटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, तो आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर 5 पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, जो एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पर वो रजिस्टर कर सकते हैं एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन से ही आपका यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर रजिस्टर होगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो साइट है वो यहाँ पर दी गई है HTTP, आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू लाइन में। और 15 अक्टूबर से यहाँ पर 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं अप टू 4 PM। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर लास्ट तक मत जाइएगा डेट। और अभी अगर आप इच्छुक हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप इसे यहाँ पर भर सकते हैं। और आगे यहाँ पर कुछ जानकारी दी है, जो कैंडिडेट हैव टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फाइल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी अलोंग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन सील्ड एनवलोप सुपर स्क्रिप्टिंग विद एप्लीकेशन। इस पते पे आपको यहाँ पर भेजना है जो सारी आपकी डॉक्यूमेंट है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर जो रीच कर देगी डायरेक्टर झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ई गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सेकंड फ्लोर, इस तरीके से यहाँ पर पूरा एड्रेस दे रखा है और ये यहाँ पर पहुंच जानी चाहिए 23 नवंबर 2020 से पहले पहले आपको ये पहुंचानी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो सेकंड वैकेंसी है वो है केवीके की, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिंपल मांगा है, मास्टर डिग्री अगर आपने की है हॉर्टिकल्चर से तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 27 रहेगी आपकी एज। और सैलरी है यहाँ पर 15,600 से 39,100 प्लस जीपी जो 5400 का आपको मिलेगा। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 2 नवंबर 2020 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के लिए क्या करना है आपको, डीडी यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट करना है आपको 500 का इन फेवर ऑफ चेयरपर्सन बाबूजी सावक समाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके यहाँ पर भरना है। और जो एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। जो सारी जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ उसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से एप्लीकेशन यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पर। और यहाँ पर एड्रेस करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, टू द चेयरपर्सन आईसीआर कृषि विज्ञान केंद्र बीएसएस सांतरपारा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट 685619 केरला में, आपको यहाँ पर पोस्ट के द्वारा ही करना है। यहाँ पर लिखा है आपने, आप यहाँ पर कर्जा देख रहे होंगे, पोस्ट ओनली, सिर्फ पोस्ट के द्वारा आप यहाँ पर ये भेज सकते हैं। जो एनवलोप है उसमें सुपरस्क्राइब होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो यहाँ पर सेंटर का नाम है। और लास्ट डेट है आपकी 2 नवंबर 2020। और कुछ यहाँ पर दे रखा है, जो एप्लीकेशन है यहाँ पर एप्लीकेशन इन्वाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 200 इन द शेप
और बैंक ड्राफ्ट, ये मैंने अभी आपको बता दिया, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको भेजना है ये सारी चीजें। और जो इंटरव्यू है आपका वो होगा यहाँ पर 12/10/2020 एट 11 AM इन द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड बिल्डिंग PAU लुधियाना। तो ये भी आपको खासा ध्यान रखना है। ये यहाँ पर 12 नवंबर होगा, ये आप ध्यान दीजिए, अक्टूबर नहीं है, नवंबर होगा यहाँ पर। आगे है आपकी वैकेंसी स्क्वाड्स की, JRF की रिक्रूटमेंट। पोस्ट का नेम है यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें भी एक है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो MSc एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, सॉइल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और नेट डिजायरेबल भी यहाँ पर कह रखा है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 रहेगी आपकी सैलरी। लास्ट डेट है आपकी 27/10/2020, तो इसे आप यहाँ पर जल्दी से भर लीजिए। 27 अक्टूबर 2020 तक ये लास्ट डेट है। पोजीशन यहाँ पर टेम्पररी है, जो ये सारी वैकेंसी यहाँ पर ये टेम्पररी है, तो आपको ये खासा ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके अंडर आपको लिया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ रेम्यूनरेटिव ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कोल्डर रीजन ऑफ इंडिया विद द इंटरवेंशन ऑफ फसिफिलिक एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रोबियल कंसोर्टिया। सिलेक्शन यहाँ पर बेस्ड होगा रिटर्न या इंटरव्यू के बेस पे। जो एप्लीकेशन है वो सेम आपको करना है, यहाँ पर अंडरसाइंड होनी चाहिए और 7 दिन से पहले पहले यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस या 7 दिन के बाद आपको यहाँ पर भेज देनी होगी। यहाँ पर इंटरव्यू डेट और वेन्यू, जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर, वो एलिजिबल जो कैंडिडेट है यहाँ पर उनको सेपरेटली बता दिया जाएगा। आगे जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर यंग प्रोफेशनल के, यहाँ पर लास्ट डेट है इसकी यहाँ पर 5 नवंबर 2020। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी आपकी 200 रहेगी। बैंक DD आपको बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ कंप्यूटर PAU लुधियाना ऑन एनी वर्किंग डे फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। यंग प्रोफेशनल की जो वैकेंसी यहाँ पर 25,000 पर मंथ आपको मिलेगा और जिस प्रोजेक्ट के अंडर आपको लिया जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे रखा है एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बायोटेक किसान हब इन टू एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट मोगा एंड फिरोजपुर और पंजाब एंड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो BSc आपको चाहिए रहेगी, 60% आपको मार्क्स चाहिए रहेंगे। MSc अगर आपने एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से किया है उसमें 65 मार्क्स दिया है। अगर आप OCP लगाते हैं रिजल्ट में या लगता है तो 6.5 आपके मार्क्स चाहिए होंगे। सिंपल इसमें भी क्या रखा है, जो कैंडिडेट जिनके पास मास्टर डिग्री नहीं है रिलेवेंट सब्जेक्ट में पर अगर PhD डिग्री है उसी डिसिप्लिन में, तो वहां पर ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 5 नवंबर 2020। और जो सारी डॉक्यूमेंट है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यहाँ पर खासा ध्यान देना है आपको, इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ली नहीं जाएगी। और जो इंटरव्यू है आपका वो है 10 नवंबर 2020 को 11 बजे। तो गाइस ये थी इस बार की अक्टूबर 3rd वीक की वैकेंसी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसे यहाँ पर भर सकते हैं। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी है और अगर आप नए चैनल में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।